अच्छे और मजेदार न्यूज़ हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। शुक्रवार को बादशाहों के रिलीज होने के बाद से ही सिनेमा के जानकार अजय देवगन के करियोग्राफ पर चर्चा में लगे हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, बीते 3 सालों में अजय देवगन की एक भी फिल्म हिट नहीं हुई है। ऐसे में बादशाहों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से काफी उम्मीदें जुड़ी हैं। रिलीज के दिन की बात करें तो फिल्म की ओपनिंग अच्छी हुई है। शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म को 25-30% की ओपनिंग मिली है। बताया जा रहा है कि पहले दिन फिल्म की कमाई 14 करोड़ रुपए रही है। बादशाहों दुनिया भर में 3,242 स्क्रीन पर रिलीज की गई है। इसमें से 2,800 स्क्रीन भारत की हैं और 442 विदेशों की। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर बादशाहों का पहला और सीधा मुकाबला आयुष्मान खुराना की शुभ मंगल सावधान से है, जो कि इसी शुक्रवार रिलीज हुई है। बीते हफ्ते रिलीज हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन की ये जेंटलमैन तो पहले ही रेस से बाहर हो चुकी है। ऐसे में बादशाहों की तुलना शुभ मंगल सावधान के बाद अगर होगी तो वह फिल्म होगी बरेली की बर्फी। वैसे बता दें कि बादशाहों 80 करोड़ के बजट में बनी है। ऐसे में फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 120 करोड़ का आंकड़ा पार करना होगा। ट्रेड पंडितों की माने तो पहले वीकेंड पर यह फिल्म 50-55 करोड़ आसानी से कमा सकती है। बीते साल रिलीज हुई अजय देवगन की शिवाय ने जहां रिलीज के 3-4 दिन में 34 करोड़ के लगभग कमाए थे, वहीं बादशाहों के पहले दिन के कलेक्शन से कुछ उम्मीद बंधती नजर आ रही है। इससे पहले साल 2015 में रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म दृश्यम का शुरुआती कलेक्शन सिर्फ 8 करोड़ रुपए का था। ऐसे में बादशाहों अजय के लिए बादशाहत ला सकती है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।